दोस्तों सोशल मीडिया पर फेमस इन मोहतरमा को आपने देखा ही होगा, वरना किसी इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी के साथ उनका हेयर और मेकओवर करते हो तो जरूर देखा होगा। और अगर आप इन्हें नहीं जानते हैं तो इनका नाम है निशा लांबा और ये एक ब्यूटीशियन, मेकअप आर्टिस्ट और एक बिजनेस वूमेन है। और ये स्पर्श ब्यूटी केयर एंड हेयर ट्रीटमेंट बाय निशा लांबा नाम से दिल्ली द्वारका में एक काफ़ी बड़ा सैलून चलाती हैं, जहाँ पर काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज़ आते जाते रहते हैं। और आज ये मेहनत कर एक बड़े मुकाम पर खड़ी हैं, लेकिन इनके लिए ये सब पाना इतना भी आसान नहीं था। निशा लांबा ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला है, चाहे वो हस्बैंड से डिवोर्स हो या हो फिर 150 किलो से ज़्यादा वजन होकर ओबेसिटी का शिकार होना। एक समय था जब निशा बहुत डिप्रेशन से गुजर रही थी और इनका साथ देने वाला भी कोई नहीं था, और आज वही निशा लांबा एक ब्रांड बन चुकी हैं। और इनकी इसी कहानी को आज हम इस वीडियो के थ्रू जानने वाले हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ और हेल्दी होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्यूटीशियन निशा लांबा के बारे में, जानेंगे इनकी यहाँ तक पहुँचने की इस जर्नी के बारे में और बहुत सी अनसुनी बातें इनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग होने वाला है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। निशा लांबा का जन्म 1987 को न्यू दिल्ली की एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। निशा शुरू से ही एक एम्बिशियस लड़की रही हैं, जिन्हें अपनी लाइफ में कुछ अपने दम पर करना था। लेकिन निशा को अपने टीनेज के दौरान ही एक लड़के से प्यार हो गया, और बिना सोचे समझे दूसरे को अच्छे से जाने बिना ही इन्होंने प्यार में उस लड़के से शादी कर ली। हालांकि इनके मम्मी पापा नहीं चाहते थे कि निशा उस लड़के से शादी करे, लेकिन इन्होंने किसी की नहीं सुनी। और शादी के बाद निशा को दो बेटियाँ हुई, लेकिन कुछ दिन बाद ही इनकी शादी में प्रॉब्लम्स आने लगीं। और जिस इंसान से इन्होंने सबसे ज़्यादा प्यार किया और भरोसा किया, उसी ने इन्हें धोखा दे दिया। और जब इनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ती रहीं, इनके हस्बैंड इनके साथ अब्यूज़ और वॉयलेंस करते रहे, तब निशा ने अपने हस्बैंड को डिवोर्स देने का फैसला कर लिया। और डिवोर्स लेने के बाद इनकी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी निशा पर आ गई, और तभी निशा ने ठान लिया था कि वो एक इंडिपेंडेंट वूमेन बनेंगी, जिन्हें कभी किसी के लिए किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि डिवोर्स होने के बाद निशा अकेली रह गई थी, ना तो इनके हस्बैंड इनके साथ थे और ना ही इनके माँ बाप ने इन्हें फिर से अपनाया। और हर कोई बस निशा को इस चीज़ के लिए टॉन्ट करता रहता था कि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ी गलती की। और निशा भी इस बात को एक्सेप्ट करती हैं कि उनसे गलती हुई है, लेकिन साथ ही उनका कहना है कि गलतियाँ भी इंसान से ही होती हैं और गलतियों से ही इंसान सीखता है। और तब फिर निशा ने इंडिपेंडेंट बनने के लिए पहला कदम उठाया और ब्यूटीशियन एंड कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स किया। और फिर उसके बाद उन्होंने दिल्ली में ही अपना एक छोटा सा पार्लर खोला, जो कि आज इनकी मेहनत से एक ब्रांड बन चुका है। और बहुत से इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज़ और यहाँ तक कि बॉलीवुड स्टार तक इनके सैलून पर आते जाते रहते हैं। हालांकि निशा अपना एक वेल एस्टैब्लिश्ड सैलून चलाती थी, लेकिन इन्हें असली पहचान मिली सोशल मीडिया से। जहाँ पर लोग कुछ ही वीडियोज़ में फेमस हो जाते हैं, वहीं पर निशा को यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। और अगर आप इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर विज़िट करेंगे तो आपको इनकी 20,000 से ज़्यादा वीडियोज़ मिल जाएंगी। एंड बिलीव मी, 20,000 वीडियोज़ इज़ नॉट अ लेस नंबर। निशा पिछले कई सालों से अपने काम के वीडियोज़ टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर डालती आ रही हैं, और ज़्यादातर लोगों ने इनके काम को इतना पसंद किया तभी इनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है। और स्टार्टिंग में निशा को हमने एक बिजनेस वूमेन का टैग भी इसलिए दिया था क्योंकि इनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी काफ़ी चालाक है। ये अक्सर अपने सैलून पर इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया स्टार्स को फ्री विजिट के लिए बुलाती हैं और उन्हें फ्री VIP सर्विस प्रोवाइड कर उनसे अपना प्रमोशन कराती हैं, जिस चक्कर में निशा अपनी पॉपुलैरिटी के साथ साथ काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज़ के लिए भी जानी जाती हैं, चाहे वो कॉन्ट्रोवर्सी हो बॉबी कटारिया के साथ या फिर हाल ही में हुई अंजलि चौहान के साथ। निशा अपने काम के साथ साथ अपने विवादों के चलते भी चर्चा में बनी रहती हैं। इनकी हाल ही की कॉन्ट्रोवर्सी की बात करें तो जैसे कि निशा अपने सैलून पर इन्फ्लुएंसर्स को अक्सर बुलाती रहती हैं, वैसे ही इन्होंने इन्फ्लुएंसर अंजलि चौहान को भी अपने सैलून पर सर्विस के लिए इनवाइट किया, और अंजलि भी अपने हेयर एक्सटेंशंस कराने के लिए पहुंच गईं। इन्होंने साथ में काफ़ी रील वीडियोस बनाए और व्लॉग भी शूट किए। और फिर कुछ दिन बाद अंजलि ने निशा से कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए, और अंजलि ने प्रोडक्ट के पैसे ना देकर प्रमोशन करने के लिए डील किया। लेकिन अंजलि को वो प्रोडक्ट्स कुछ खास पसंद नहीं आए, और उनके ख़राब रिजल्ट को देखते हुए अंजलि ने उनका प्रमोशन नहीं किया और ना ही सामान के पैसे दिए। सामान कुछ 5,000 रुपये का था, और यही बात निशा लांबा को बिल्कुल पसंद नहीं आई, या फिर कह सकते हैं उनकी ईगो पर लग गई।
निशा ने अंजलि पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जिसमें निशा ने अंजलि को चोर भी बोला। आप एक चोर हो, चोर अंजलि चौहान चोर। 5,000 रुपए क्या 50 लगा दूं, निशा लांबा हूं मैं। और वहीं अंजलि चौहान ने भी काफी इमोशनली वीडियो बनाकर निशा को जवाब दिया। दोनों में काफी ज्यादा ड्रामा हुआ और एंड में दोनों को ही अपने आप को सही कहना था। अब इन दोनों में कौन सही था और कौन गलत, इस बात को कहना काफी मुश्किल है। बाकी आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं कि आपके ओपिनियन में कौन सही है और कौन गलत। और इनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की बात करें तो निशा लांबा के इंस्टाग्राम पर 2.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वहीं अंजलि चौहान के इंस्टाग्राम पर 1.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं। दोस्तों ये थी कहानी निशा लांबा की। आपका क्या ख्याल है इनके बारे में और आपको इनकी लाइफ स्टोरी कैसी लगी कॉमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई शिकायत या सजेशन करना हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।